हेलो एंड वेलकम गाइस, यू आर वाचिंग डॉग लवर फॉर यू। और आज हम बात करने वाले हैं पॉइंटर डॉग के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो गाइस, हम बात करने वाले हैं आज पॉइंटर डॉग के बारे में। पॉइंटर डॉग को ऐसे इंग्लिश पॉइंटर के नाम से भी जाना था। ये मीडियम लार्ज साइज के डॉग ब्रीड होते हैं। इनका ऑरिजिन जो है इंग्लैंड से है और इन्हें गन डॉग भी कहा जाता है। ये ब्रीड 16th to 17th century के बीच में ब्रीड किए गए थे। और ये गन डॉग इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छे तरह से बर्ड्स को हंट कर सकते हैं और अच्छे से शिकार कर सकते हैं उनका। ये 1876 में इंग्लैंड से अमेरिका लाए गए और इन्हें 1936 में ऐसा डॉग ब्रीड अमेरिकन कैनल क्लब द्वारा रिकग्नाइज किया गया। ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव डॉग ब्रीड होते हैं और हाई एनर्जेटिक डॉग ब्रीड होते हैं। ये अपने ऑनर के साथ ही बहुत ही अच्छे लॉयल होते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी। ये इनका एग्रेशन के बारे में बात करें तो इनका एग्रेशन बहुत ही कम होता है और ह्यूमन क्रीड के साथ तो आराम से रह सकते हैं क्योंकि इनका एग्रेशन बिल्कुल नहीं होता है। तो गाइज, अगर आपको एक वॉच डॉग चाहिए था तो पॉइंटर डॉग आपके लिए बिल्कुल नहीं है क्योंकि बहुत अच्छे वॉच डॉग बिल्कुल नहीं होते। बट आप इन्हें एक अच्छी ट्रेनिंग के साथ एक अच्छे वॉच डॉग भी बना सकते हैं। ये एक हंटिंग डॉग ब्रीड है इसलिए बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स डॉग ब्रीड है। आप इनको बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन्हें, तो आप इन्हें रेगुलर एक्सरसाइज कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो गाइज, इन्हें अपने फैमिली मेम्बर और ऑनर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। अब इनके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करें तो इनका कोट बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट डेंस और स्मूथ होता है। और इनके कोट कलर के बारे में बात करें तो कई सारे कोट कलर में ये आते हैं। सो गाइज, इनके कोट कलर के बारे में बात करें तो इनका कोट कलर वाइट एंड लाइव लाइमन एंड वाइट ऑरेंज एंड ब्लैक एंड वाइट में ये आते हैं। और इनके हाइट के बारे में बात करें तो मेल पॉइंटर डॉग की हाइट 25 to 28 inches तक होती है और फीमेल की 23 to 26 inches तक होती है। और इनके वेट के बारे में बात करें तो मेल की जो वेट होता है 25 to 34 kilograms तक होता है और फीमेल का 20 to 30 kilograms तक होता है। और ये एक बार में 5 से 7 बच्चों को जन्म दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही कुछ फिजिकल ओवरव्यू थे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो पॉइंटर डॉग के बारे में निकल के आते हैं। सो गाइस, जैसे पिछली वीडियो मैंने पूछा था कि डॉग वर्सेस डॉग की सीरीज़ बनानी चाहिए या नहीं, तो काफ़ी लोगों ने यस जवाब भी दिया था और कमेंट किए थे किस डॉग्स का कंपैरिजन चाहिए। सो फ्रेंड्स, एक तारीख से वो वीडियो भी स्टार्ट हो जाएगी। और एक और खुशखबरी आपके लिए कि मैं एक और सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ कि आपको कैसे एक पपी चूज़ करना है, उसे स्टार्टिंग में क्या खिलाना है, कैसे देखभाल करनी है, तो वो सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली है। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, आप उसे भी देखिएगा। और ये मेरा आइडिया कैसा है ये भी कमेंट कीजिएगा कि मुझे बनाना चाहिए तो वो तो बनाना चाहिए। काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं कि मैं फ़र्स्ट टाइम डॉग ओनर हूँ और मुझे कौन सा डॉग लेना चाहिए, उसके ऊपर भी वीडियो आएगी, तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कोई सुझाव या सवाल तो वो भी कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर 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 लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड ऑलवेज 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 कीप स्माइल।